सितंबर आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में बुधवार को भारतीय वायुसेना द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 के 50 वर्ष पूरे होने पर चंडीगढ़ के सुखना लेक के आसमान में एयर शो का आयोजन किया गया। इस युद्ध में भारत विजयी तो हुआ ही, साथ ही भारतीय सेनाओं के बांग्लादेश को भी आजाद करवाया। इस एयर शो में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित तथा हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर लेडी गवर्नर वसंता भी उपस्थित रही। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के अधिकारी व चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव और भारत की पाक पर विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा है कि भारत के वीर जवानों के शौर्य की बदौलत आज से 75 वर्ष पूर्व देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के वीर जवानों के शौर्य के कारण ही 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। इस उपलक्ष्य में भारत की वायुसेना द्वारा अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए एयर शो का आयोजन किया गया है। मैं इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के साथ साथ सूर्य किरण एयर शो की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। दत्तात्रेय ने कहा है कि भारतीय सेना द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों से सेना का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही देशवासियों व आम नागरिकों का सेना व सामरिक प्रणाली के प्रति विश्वास मजबूत होता है। सभी नागरिकों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना और प्रबल होती है तथा देशवासियों को देश की सामरिक प्रणाली को देखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा है कि आज के देश की तीनों सेवाएं थल, वायु व नौसेना नए उपकरणों, हथियारों, नई टेक्नोलॉजी तथा नई वार तकनीक से सुसज्जित है। भारत हर तरह से सुरक्षा के मामले में पूरी सामर्थ्य रखता है। भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। हमारे सैनिक हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा है कि आज से इस एयर शो से भारतीय नागरिकों का रक्षा प्रणाली और ज्यादा विश्वास बढ़ा है। इस एयर शो में राफेल फाइटर जेट व चिनूक हेलीकॉप्टर के हैरत अंगेज करतब देखने को मिले हैं। इसके साथ गरुड़ कमांडोज ने भी अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन किया। जनता को विश्वास हुआ है कि आज भारत का जल, थल व नभ पूरी तरह से सुरक्षित है। दत्तात्रेय ने सभी सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक व धार्मिक संगठन व आम नागरिकों से अपील की है कि वे आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों को आयोजित करें और ज्यादा से ज्यादा इन कार्यक्रमों में भाग लें। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर शहीदों की जानकारी मिलेगी और हम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े घटनाओं से रूबरू हो पाएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।